नमस्कार, इंडिया ऐप न्यूज में आपका स्वागत है। सिकंदरपुर विधानसभा के लोकप्रिय एवं सुयोग कर्मठ प्रत्याशी नौजवानों की धड़कन गरीबों की मसीहा संजय भाई का दौरा प्रतिदिन दर्जनों गांव कर रहे हैं। अब सिकंदरपुर 359 की जनता की आवाज बन चुके हैं। खबर जनपद बलिया से, जहां समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता एवं मृदुभाषी नौजवानों की धड़कन गरीबों के मसीहा शेख अहमद अली संजय भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदेश को ग्राम सभा खरीद निपणिया बहादुरा में भ्रमण कर लोगों से घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं संदेश। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में दिन रात एक कर रहे हैं। इस कार्य से और मेहनत से सिकंदरपुर विधानसभा 359 की जनता काफी संजय भाई से खुश नजर आ रही है। आज उनको विधायक के रूप में अपना नेता मान चुकी है। ग्राम पंचायत खरीद में एक पीड़ित परिवार के घर जाकर मदद का आश्वासन देते हुए गुप्त मदद भी की है और कहा कि आगे भी मदद करते रहेंगे। वहीं आदर्श कुमार चौधरी ग्राम प्रधान खरीद की जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि इस परिवार पीड़ित को आपके द्वारा क्या मदद किया गया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्तर से दाह संस्कार के लिए जो लगता है मैंने किया है, लेकिन सरकार से अभी कोई पीड़ित परिवार को मदद नहीं मिली है। पीड़ित परिवार अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं असहाय हूँ, मेरा कमाऊ बेटा जिसकी मौत हो गई, मैं बेसहारा हो गया हूँ। जानकारी होने पर पहुंचे संजय भाई से मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज प्रतिदिन दर्जनों गांव का दौरा कर घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को और संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। वहीं खरीद के प्रधान आदर्श कुमार चौधरी ने कहा कि संजय भाई एक ऐसी शख्सियत व्यक्ति का नाम है जो बाढ़ पीड़ित से लेकर कोरोना काल तक गरीब परिवार के लड़कियों की मदद करने का काम करते हैं। नेताजी, आज आपकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी प्रधान जी आपके बारे में बता रहे थे कि सभी के दुख सुख में आप हमेशा तत्पर रहते हैं और सबको जो है मदद करते रहते हैं। ऐसे स्थिति में आप खरीद गांव सभा में एक गरीब शर्मा परिवार को दुख जानने के लिए पहुंचे हैं, तो आज इनके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपकी मेहनत को, आपके टीवी को, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग तो ही विमान की तरफ पता लगाते रहते हैं कि कहां क्या घटना घटी है, कहां किसकी मदद पहुंचानी है। और आपके कई टीवी में न्यूज़ ऐसे चले हैं जिससे गरीबों को बड़ी आर्थिक मदद मिली है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, मैं करीब करीब 40 वर्षों से समाज की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन आज 14 बरस से गुमनाम तरीके से रह के चुपचाप घर में बैठ के मैं सेवा जनता का करता रहा। नाम नमूद के लिए नहीं, इंसानियत के लिए मैं कर रहा था, लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि फिर खुल के मुझे राजनीति में आना पड़ा। तो ये 6 महीने से खुल के राजनीति में मैं पुनः प्रवेश किया हूँ और मदद तो मैं करता ही रहता हूँ। आप कोरोना काल में आपने मेरे मदद देखा है, बाढ़ काल में मेरे मदद आपने देखा है, और वैसे भी सारी मदद मैं करता रहता हूँ। इसमें ये SDM और तहसीलदार चाहेंगे तो मदद हो सकती है, क्योंकि कोई मार करने गया नहीं गया था, कोई डकैती करने नहीं गया था, एक पंचायत के रूप में लोग गए थे और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। तो सरकार की दायित्व बनती है कि अगर पंचायत हम करने जाते हैं वहाँ हमारी हत्या हो जाती है या किसी गोली चल जाती है, तो उसको एक्सीडेंट मान के सरकार को मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद होनी चाहिए। हाँ जी, और इस चीजों को ये लोग पल्ला झाड़ती है। ये लोग अगर बढ़िया से रिपोर्ट बना के भेजे कि विवाद चल रहा था, पंचायत करने गए थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी। इसमें सरकारी कमी है और अधिकारियों की कमी है जी। दूसरी चीज है कि ये रास्ता नहीं बताते। हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया एक योजना बनाया है, पारिवारिक लाभ योजना। ये योजना ऐसा है कि अगर उस परिवार में वही बच्चा कमा रहा है, उसी परिवार से चल रहा है, तो उसकी मौत बीमारी से हो या आकस्मिक हो या नेचुरल हो जी। लेकिन पारिवारिक लाभ योजना के तहत ये अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो मुख्यमंत्री को उससे पैसे हर महीने आते रहेंगे जी। लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता, उस योजना को लगाना नहीं। पहले मसल पावर चलता था तो शिवाजी से लेकर गजनवी तक तलवार से देश जीते, फिर उसके बाद मनी पावर आया तो मनी पावर से अमेरिका ने दुनिया को जीता, फिर अब आ गया है शिक्षा का युग। शिक्षा के युग में अगर हम जरा भी पीछे हो जाएंगे, बहुत हम ये 14 के बाद हम बहुत पीछे हो गए हैं, और इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी शिक्षित नहीं हो सकता है। अब उस चीज को, उन सारे फीसों को नॉर्मलाइज करके गरीबों को पढ़ने लायक
बनाने के आपका लिए। फोकस होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। सड़क नहीं है, रोजगार। सड़क तो हम सरकार अखिलेश जी। अच्छा, रोजगार पर रहेगा। अच्छा, आपके बगल में ही एक दरौली घाट पुल है जो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका शिलान्यास तो हुआ लेकिन आज तक आप बिहार और यूपी से जुट जाएगा, जिसे आने जाने में लोगों को काफी परेशानियां जो दूर हो रही है वो दूर हो जाएगा, उस पे क्या आपका फोकस रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने कर दिया है। हमारे माननीय अखिलेश जी, चाहे वो पूर्वांचल वाला सड़क हो या बलिया वाली सड़क हो या जेपी सड़क हो या ये पुल हो, सारे जमीनों को मुआवजा देने के बाद उसकी लागत भी दे दिए हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं बना पाए। सिर्फ जब आप अपना पर्सनल दुश्मन को साधने के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, और दुश्मन को प्यार देना शुरू कर देंगे, समझाना शुरू कर देंगे, अपने चीज में उतारना शुरू कर देंगे और काम पे ध्यान देंगे तो काम निश्चित हो जाएगा। इन लोगों ने सिर्फ बुराई ढूंढा है, अच्छाई नहीं ढूंढा है, इस वजह से ये बुरे होते गए। अगर अच्छाई ढूंढे रहते तो आज ये भी अच्छे रहते और ये हालत नहीं होता जैसे उनके गलियों में सांसद और एमएलए उनके बीजेपी के नाम पे मारे जा रहे हैं, कोई जूते के माले पहनाए जा रहे हैं, किसानों के साथ कितनी बेदर्दी हो रही है। अंग्रेज भी शर्मा गए होंगे, लॉर्ड गवर्नर भी जो यहाँ पे रहे, जो जुल्म किए हैं हिंदुस्तान पे, उनकी रूहें कांप गई होंगी कि भाई हमसे भी आगे निकले। हाँ, हमसे भी आगे निकले। मैंने आपका दरौली घाट पर रहेगा फोकस? फोकस रहेगा, और जो चीज मैंने इंदिरा गांधी की आंखों में चमक देखा था, वो हिंदुस्तान के हर बच्चे को अपना बच्चा समझते थे, हिंदुस्तान के हर जर्रे को अपना जर्रा समझते थे, वही आज मैं अखिलेश जी की आंखों में चमक मैंने देखा है कि इनके हाथ में ही हिंदुस्तान सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है। पुराने दोस्त हैं, बचपन से ही हमारे साथ इनका तालुकात रहा है, पार्टियां अलग अलग रही हैं लेकिन तालुकात हमारे सबसे अच्छे रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी अगर पैरवी हो जाएगी, अगर कस के पैरवी हो जाएगी तो पारिवारिक लाभ योजना में ये पैसे इनके हर महीने आने लगेंगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम सत्ता में आने जा रहे हैं। अगर हम सत्ता में आ गए, और आना ही है इंशाल्लाह, तो इनकी भरपूर मदद हम करेंगे। फिर देखते हैं कौन अधिकारी पढ़ाता है, कौन पढ़ा अधिकारी लिखवाता है। जब FIR हो गया कि पंचायत करने आए थे, गुंडे करने नहीं आए थे, FIR तो पहले इन्हीं लोगों पे हुआ। और जब वहाँ वीडियो मिल गया, जब वहाँ पे CC कैमरा मिल गया, तब ओरिजिनल पकड़े गए, और ये लड़के बताए कि हम पंचायत करने आए थे, और गोली चल जाती है और मौत हो जाती है। मौत हो जाती तो एक्सीडेंट हुआ। इसमें 5 लाख रुपए हर हालत में सरकार के द्वारा इनको मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री कहीं मना नहीं किया है। ये सारी बदमाशी यहाँ के अधिकारियों की बदमाशी है। ये गरीब की मदद करें, वो भी कभी गरीब हो जाएंगे। हम आज है ठीक ठाक है, कल क्या हो जाए, अल्लाह किस अपनी स्थिति में रखे, ये सोचकर गरीब की मदद करते रहोगे तो आप हमेशा ऊंचे स्थान पे बढ़ते बनते चले जाओगे। वो चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो या प्रधान हो या विधायक हो या गांव का नागरिक हो, इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करोगे उसका ऊपर वाला तौल के देगा। मैं इसमें पारिवारिक योजना के लाभ के लिए मैं तत्काल मैं उसी जांच करने के लिए आया था कि वो लोग लगाए कि नहीं। अब इसमें मैं अपने लोगों को लगा के पारिवारिक लाभ योजना के लिए लेखपाल के लिखवाऊंगा, मंगवाऊंगा, लगवाऊंगा, और फिर हमारी सरकार बनती है तो वो भी फिर 5 लाख रुपया सरकार के ऊपर हमारा बाकी रहेगा। जब सरकार हमारी बनती है तो फिर उसको एक्सीडेंट वाले मामले को कागज निकाल के एक्सीडेंट है इसको 5 लाख रुपया तत्काल व्यवस्था किया जाए। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये बातें हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा, तो हो सकता है कि फिर ये और DM तक पहुंचे, SDM तक पहुंचे, तो हो सकता है पारिवारिक लाभ योजना वाला काम फौरन ये लोग काम शुरू कर दें। मैं मांग करता हूं पारिवारिक लाभ योजना की कार्रवाई तत्काल लेखपाल द्वारा करके तहसीलदार से लेके और सरकार को भेजा जाए कि पारिवारिक लाभ योजना मिले। नेताजी आदर्श कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान खरीद, विकास खंड मनियर, जनपद बनी। प्रधान जी, आज आपके गांव सभा में मैं आया हूं, एक शर्मा जी चरपाई पर लेटे हुए हैं, रो रहे हैं, और उनके बेटे की मृत्यु हुई है, जहां आप शायद 2000 रुपया दाह संस्कार के लिए भी दिए हैं, इनको सरकारी मुहैया कुछ नहीं हुई है, और आज इनके दुख में शामिल होने के लिए सिकंदरपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी, नौजवानों का धड़कन, आज गरीबों का मसीहा शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई जो है अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? संजय भाई हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं और
हर गरीब दलित और जनता के पास, दुख असहाय लोगों के पास जाते आते रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और हमारे गांव के अनिल शर्मा जी की मृत्यु कठौड़ा गांव में हो गई। उनकी मृत्यु पर अभी वो लड़के की उम्र 20 वर्ष, हाँ लगभग 20 वर्ष है, और खेत तो लड़के के नाम से नहीं है। हमने तो तहसील पर जा करके पता किया तो जमीन का मामला आया, तो जमीन उस लड़के के नाम से नहीं है, चूँकि उनके पिताजी जीवित हैं। इसलिए कोई सरकारी फंड तहसीलदार महोदय ने बताया आकि उनके नाम से नहीं सरकारी योजनाएं मिल सकती। लेकिन एक परिवार का कमाऊ बेटा मरा हुआ है और तहसीलदार साहब जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि सरकार की योजना ये है कि तत्कालिक आर्थिक सहायता जो है जनपद स्तर से जो है कमाऊ परिवार का कोई व्यक्ति मरता है उसके सहायता में जो है कुछ सहायता दी जाती है, जो उसको तहसीलदार साहब नकारते हुए आपको कहे कि कोई सहायता उनको नहीं मिल सकती है। क्या आपकी शिकायत आप नीना डीएम साहब के यहाँ कही थी कि नहीं? नहीं, डीएम साहब को तो नहीं किए थे। तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जो हैं आकाशी बिजली या ये बिजली उपकरण बिजली या सांप काटने की